गोरखपुर में सीएम योगी ने पिपराइच के सोनबरसा में 535 करोड़ रुपए की लागत वाली 5 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। यह आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री ने संबोधित किया। समारोह में उपस्थित लोगों से मुख्यमंत्री ने प्रदेश और गोरखपुर के विकास को लेकर विस्तृत चर्चा की। इन विकास परियोजनाओं में प्राथमिक स्कूल सोनबरसा को स्मार्ट स्कूल बनाने, ग्राम पंचायत में स्मार्ट पंचायत भवन और बालापार टिकरिया मार्ग पर रेलवे ओवरब्रिज का लोकार्पण किया। वहीं बालापार टिकरिया गागी बाजार मार्ग के फोरलेन पर उच्चीकरण, नए थाना सोनबरसा के प्रशासनिक आवासीय भवनों के निर्माण कार्य का शिलान्यास भी इसमें शामिल है। ग्राम सचिवालय की व्यवस्था सभी 57,000 से अधिक गांवों में, ग्राम पंचायतों में हमने प्रारंभ की है और सोनबरसा गांव को एक आदर्श सचिवालय भी आज यहां पे प्राप्त हुआ है। इसकी भी मैं बधाई देता हूं सोनबरसा गांव वालों को। साथ साथ आने वाले समय में सेक्टर से लेकर के और सररी और गांगी तक इस पूरे क्षेत्र में एक ही थाना आपका होगा, वह यहां पर सोनबरसा में हम बनाने जा रहे हैं। तो वह थाने बनेंगे तो यहां पे सुरक्षा की बेहतर व्यवस्था होगी। आपका ये ओवरब्रिज बन गया, आप यहाँ पे रेलवे पटरी पर आपको जाम में फंसना नहीं पड़ेगा। अगर आपको रेलवे ट्रेन पकड़नी है, स्टेशन जाना है, एयरपोर्ट जाना है, बस स्टेशन जाना है, आप कहीं भी महाराजगंज से, गांगी से, सरहरी से, जीतपुर से, परमेश्वरपुर से, बालापार से तुरंत निकले, आपको जाम में फंसने की चिंता नहीं होगी। फ्लाईओवर आपका बना हुआ है, आप 10 मिनट में रेलवे स्टेशन पहुंच जाएंगे। आज हमारे पास पैसे की कमी नहीं, विकास के कार्य के लिए हम पैसा उपलब्ध करवा रहे हैं और पिपराइच को तो कहना ही क्या। गोरखपुर में तो पहले से ही बंद फर्टिलाइजर कारखाना, कोई सोचता था कि कारखाना चलेगा, एकदम सोनबरसा के इस पार उस पार का है कारखाना। आज देखो, आप रात्रि को देखते होंगे क्या लाइट रहती है, क्या चमचमाता है सामने, और फर्टिलाइजर चल रहा है उसका लाभ सोनबरसा बालापार को भी मिल रहा है। देखो ना, यहां पे कितना अच्छा विद्यालय और पंचायत भवन बन गया है। अगल बगल के गांवों में भी इस प्रकार के कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे। सड़कें चौड़ी हो रही है, फ्लाईओवर बन गया है और अब तो मेडिकल की डिग्री, फार्मेसी की डिग्री, नर्सिंग की डिग्री, ये सभी डिग्री भी आपको यहीं पे प्राप्त होने जा रही है। जिस एम्स, जिसकी सुविधा के लिए दिल्ली जाना पड़ता था, आज गोरखपुर में काम कर रहा है। भ्याड़ी मेडिकल कॉलेज, जो स्वयं बीमार था 17 के पहले, आज बेहतरीन सुविधा दे रहा है। इंसेफ्लाइटिस इस सीजन में यहां कोई शिलान्यास उद्घाटन नहीं कर पाता था, क्योंकि इस सीजन में नौ की बीमारी यानी इंसेफ्लाइटिस से बच्चों की मौतें होती थी, सैकड़ों बच्चों की मौतें होती थी, कोहराम मचा रहता था, लोगों में भय और दहशत रहता था। और मुझे याद बताते हुए प्रसन्नता है, इंसेफ्लाइटिस को हमने पूरी तरह समाप्त करके कहा कि नहीं, उत्तर प्रदेश में ना अपराध रहेगा ना अपराधी रहेंगे और बीमारी को भी पूरी तरह समाप्त करेंगे। समाप्त कर दिया ना, ऐसे कार्य होता है। विकास के कार्य, ये फोर लेन की सड़क, ये सिक्स लेन की सड़क, ये केवल सड़क नहीं है, आवागमन के माध्यम नहीं है, ये विकास के प्रतीक है। विकास, इससे विकास आएगा, उद्योग लगेंगे, नौकरी मिलेगी, रोजगार की सुविधाएं विकसित होंगी और आपको आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा। हमारे युवाओं के हाथों को काम मिलेगा, आपको अच्छे दाम मिलेंगे। कोई सब्जी बेचेगा, कोई फल बेचेगा, कोई नौकरी करेगा, कोई व्यवसाय करेगा, अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग प्रकार का कार्य मिलेगा।
राजधानी भोपाल के ईटखेड़ी थाना क्षेत्र के एक गांव में 15 साल की स्कूली छात्रा को एक फार्म हाउस में बंधक बनाकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। आरोपी किशोरी के पड़ोस में रहता था और पीड़ित उसे चाचा कहकर बुलाती थी। घटना के 8 दिन बाद पीड़िता अपने माता पिता के साथ थाने पहुंचे और प्रकरण दर्ज कराया। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने ईटखेड़ी थाने पहुंचकर हंगामा करना शुरू कर दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। किशोरी ने बताया है कि सुबह 10:30 बजे से 11 बजे के बीच लंच टाइम में वह स्कूल परिसर में खेल रही थी, तभी इरफान चाचा ने स्कूल के पास आकर कहा कि तुम्हारी मां ने मेरे फार्म हाउस के कमरे में कुछ सामान रखा है, आकर ले लो। छात्रा सामान लेने फार्म हाउस के कमरे में चली गई। उसके कमरे में जाते ही इरफान ने कमरे का दरवाजा भीतर से बंद कर दिया और कहने लगे कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। इतना कहने के बाद आरोपी ने किशोरी से जबरन दुष्कर्म की घटना को अंजाम दे डाला। घटना के बाद पीड़ित किशोरी वैन में सवार होकर घर आ गई थी। उसने उस समय ये बात अपने परिजनों को नहीं बताई थी। गुरुवार 5 सितंबर को तबीयत खराब होने पर पीड़िता ने अपने माता पिता को सारा घटनाक्रम बता दिया। ईटखेड़ी में एग्जाम खा चुका, वहाँ दो परिवार साथ में रहते हैं, उसमें एक नाबालिग बच्ची है, उसके पड़ोस में ही रहने वाले आरोपी के द्वारा स्कूल के लंच टाइम में उसके फार्म हाउस जो कि गोलखेड़ी में स्थित है उसमें किसी बहाने से बुलाकर, सामान देने के बहाने बुलाकर उसके साथ एक तस्कर के साथ किया गया, जिस पर से थाना ईटखेड़ी में कल अपराध पंजीबद्ध किया गया। पास्को एक्ट और एट्रोसिटी एक्ट की धाराओं को समाप्त किया गया और आरोपी को राउंड अप करके गिरफ्तारी हो चुकी है। सर, क्या आरोपी और जो फरियादी है क्या आपस में रिश्तेदार हैं? आरोपी का कोई आपराधिक रिकॉर्ड? उसका अभी तक का कोई आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है, बाकी की और छानबीन हो रही है और दूसरे थानों से पता कर रहे कि किसी और तरह की आपराधिक संलग्नता में है या इस तरह की कोई और अपराध। वहीं हम आपको बता दें कि देश में आए दिन बलात्कार की घटनाएं सामने आ रही हैं। छोटी से लेकर बुजुर्गों तक जो है बलात्कार की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। ये भोपाल, राजधानी भोपाल से खबर आई थी जिसमें 15 साल की बच्ची के साथ जो है बलात्कार की घटना को अंजाम दिया गया और अंजाम भी उस व्यक्ति ने दिया जो कि उस लड़की को बचपन से जानता था, वो उसके पड़ोस का रहने वाला था। इसी वही भोपाल वही हमारे साथ राजधानी भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजेंद्र सिंह जी, जो इस खबर पर तमाम जानकारी देंगे। राजेंद्र जी, 15 साल की बच्ची के साथ ये जो बलात्कार की घटना हुई है बहुत ही जघन्य अपराध हुआ है और ये जो अपराध जिस व्यक्ति ने किया है वो उसके ही पड़ोस का रहने वाला था, तो क्या है ये पूरा मामला? देखिए, अगर पुलिस की माने और जो बच्ची ने जो मीडिया के सामने बयान दिया है दोनों की अगर माने तो जो है बच्ची पड़ोस में रहती थी, जो लड़का था उसने बच्ची को स्कूल, बच्ची गई हुई थी वहां पर, जो है लड़का गया और उसने कहा कि तुम्हारी मम्मी ने जो है कुछ सामान मेरे पास छोड़ा है, चल के उसको ले लो। इस बहाने से जो है उसको स्कूल से वो लेकर गया, फार्म हाउस वहां पर फार्म हाउस लेकर गया, उसके बाद उसके साथ जो है दुष्कर्म किया। उसके बाद 2 घंटे बाद जब लड़की को होश आया तो लड़की अपने घर चली गई। लड़की बीमार हो गई, बीमार होने के बाद जब लड़की पूर्ण रूप से होश में आई तो उसके बाद अपनी माँ को सबसे पहले। कितने दिन तक उस लड़की ने जो इस बात को छुपाया? देखिये, 8 दिन तक करीब करीब जो है 8 दिन तक इस बात को छुपा कर रखा गया और फिर जब उसको ज्यादा पीड़ा होने लगी बीमारी में तो उसने अपनी माँ को बताया। उसके बाद जो है ये सारा मामला खुला, माँ ने अपने पिता को बताया, पिता ने अपने पुत्र को बताया और पुत्र ने जो है पिता के साथ मिलकर थाने में इस बात की सूचना दी है। उसके बाद पुलिस ने तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करते हुए कल जो है आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया और जेल भी भेज दिया है। तो आरोपी से जब प्रशासन ने पूछताछ की तो क्या खुलकर सामने आया, उस आरोपी ने क्या बयान दिया? अभी आरोपी ने जो है बयान जो अपने दिए हैं उसमें उसका यही कहना है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, उस पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि अब ये जो पुलिस जांच जो होगी उसके बाद ही ये साबित हो पाएगा। पुलिस अभी पूरे मामले की जो है छानबीन कर रही है और जांच कर रही है। देखिए राजेंद्र जी, प्रकरण तो दर्ज किया गया है लेकिन प्रशासन अब तक जो है आरोपी पर क्या एक्शन ले चुकी है?
देखिए प्रशासन ने अपनी पूरी कार्रवाई की है, तत्काल प्रभाव से जो है पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है, जांच जो है अब होना बाकी है क्योंकि महिलाओं के प्रकरण में जीरो पर FIR की जाती है और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाता है, उसके बाद जो है पूरी जांच की प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है। अब जो अगला जो फैसला जो होना है वो न्यायालय के समक्ष ही होना है और न्यायालय में जब चालान पेश होगा उसके बाद ही इन सब चीजों से जो है पर्दा खुलेगा कि आरोपी ने इस तरीके का कृत्य किया है या नहीं किया है और जब पुलिस अपनी जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश करेगी। राजेंद्र जी, जो पीड़िता है उस बच्ची के जो परिवारजनों हैं परिवारजनी हैं उन्होंने क्या कुछ बयान जो दिया है अपनी लड़की को लेकर क्या कहना है उनका? परिवारजनों का यही कहना है कि वो जो है उनके मुर्गी फार्म में वो लोग काम करते थे क्योंकि दिन भर दिहाड़ी मजदूरी करते हैं मुर्गी फार्म में, वहां से जब वो आए और जब लड़की ने ये सारी चीजें अपनी माँ को बताई थी और माँ ने जब पिता को बताई तो वो सभी सदमे में थे। हालांकि पुलिस ने पूरी जांच की है और इस पर जो है सबसे बड़ी चीज यह है कि इसमें बजरंग दल ने भी जो है पुलिस थाने में जाकर प्रदर्शन किया था जिसके बाद जो है आवेदन पर FIR की गई है। हालांकि पुलिस पहले आवेदन लेकर जो है पीड़ितों को क्षमता कर दिया था लेकिन उसके बाद जब बजरंग दल इस मामले में बीच में आया तो उसके बाद जो है FIR की कार्रवाई की गई। जी जी राजेंद्र जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि पुलिस ने जो है मामला दर्ज कर लिया है, प्रशासन का जो एक्शन लेने का जो काम है अपराधी के ऊपर, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ऐसे अपराधी को खुलेआम जो है वो सिर्फ जेल में बंद कर दिया जाए, उसके ऊपर जो है एक्शन जो है वो जल्द से जल्द लेना चाहिए, तो क्या आशंका क्या संभावना है कि क्या उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा प्रशासन के द्वारा? क्योंकि प्रशासन ने अपनी पूरी कार्रवाई कर दी है क्योंकि अब कोर्ट पर भी जो जिस तरीके से कोर्ट ने जो निर्णय सुनाया है कि अगर कोई भी व्यक्ति आरोपी है तो उसका घर तोड़ने का अधिकार किसको नहीं है, किसी को नहीं है, क्योंकि सजा भी अगर उसको पड़ गई तो उसका घर तोड़ने का जो है प्रशासन को अधिकार नहीं है। इसलिए जो है अब जो बुलडोजर वाली प्रक्रिया शासन में जो चल रही थी उस बुलडोजर वाली प्रक्रिया को धीरे धीरे सरकार ने समाप्त कर रही है और जिस तरीके से जो कानूनी प्रक्रिया होती है उसी के हिसाब से कार्रवाई की जा रही है। जी जी राजेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी इस खबर पर आपने बहुत अधिक जानकारी दी। हम आपको बता दें कि ये राजधानी भोपाल से खबर थी कि 15 साल की जो बच्ची के साथ जो बलात्कार की घटना हुई, उस बच्ची ने जो है वो कई दिन तक इस बात को छुपाए रखा, अपने परिवारजनों को तब बताया जब उसे पीड़ित जो है वो परेशान होने लगी। इसमें जो है मामला प्रशासन ने दर्ज कर लिया है, आगे क्या कार्रवाई होती है अपराधी के विरुद्ध वो आने वाला समय बताएगा। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां हाथरस के थाना कोतवाली चंदपा क्षेत्र में शुक्रवार शाम एक बड़ा सड़क हादसा हो गया जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य लोग जो हैं वो घायल हो गए। दुर्घटना की जानकारी पर पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। हादसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख भी जताया है। मैजिक में सवार सभी लोग सासनी से खंदौली जा रहे थे। कोतवाली चंदपा के गांव कुबरपुर के पास अलीगढ़ आगरा नेशनल हाईवे पर रोडवेज बस व लोडर में ये भिड़ंत हुई थी जिसके कारण ये भयानक जो है सड़क हादसा हुआ। हादसे के बाद मैजिक में सवार आगरा के थाना खंदौली क्षेत्र के गांव सैमरा निवासी महिला पुरुष व बच्चों की चीख पुकार मच गई। पुलिस ने सभी घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया जहां डॉक्टरों ने 15 को तो है मृत घोषित कर दिया। हाथरस पहुंची कमिश्नर अलीगढ़ चैत्रवी ने बताया है कि हादसे में 15 लोगों की मौत हुई है जिनमें से 7 पुरुष 4 महिला और 4 बच्चे शामिल है। उन्होंने आगे बताया कि जिला अस्पताल में 11 घायल है, वहीं 8 गंभीर घायलों को अलीगढ़ JNMC रेफर कर दिया गया। ये हाथरस में एक एक्सीडेंट हुआ था, उसमें कुछ लोगों के चोटिल होने की और कुछ उसमें डेथ भी हुई हैं। वो यहाँ से रिफ़र होके अपने JNMC में आए हुए हैं। टोटल जैसा बताया जा रहा है इसमें घायल और वैसे जो प्रभावित हुए हैं वो 18 लोग थे, जिसमें 8 लोग हमारे JNMC में आने की बात हो रही है। अभी 6 आ चुके हैं जिसमें 4 की हालत जो है स्थिर है और 2 लोगों की डेथ हो चुकी है। एक बच्ची है अप्पी उसकी और एक बच्ची है गुलशन उसकी डेथ की पुष्टि हो चुकी है। जनपद हाथरस में हुई है और सासनी क्षेत्र है, वहाँ के SDM भी आए हुए हैं, तहसीलदार भी आए हुए हैं, उनकी तहसील का प्रकरण था, यहाँ पर आए हुए हैं। अब पहले तो हम लोगों को ये बताया गया एक्सीडेंट के बारे में ही, तो हम लोग पहले इनके प्राथमिक उपचार पर ध्यान दे रहे हैं,
फिर उसके बाद आगे की चीज़ें जो है पता ओवरटेक करने के कारण ये एक्सीडेंट हुआ और इसमें अभी तक जो लोग यहाँ पे देखे हैं और मौके पर जाकर वापस आए हैं यहाँ पे अस्पताल में तो अभी तक 12 डेथ्स हमें सूचित हुई है। अच्छा कहाँ की घटना है ये? हाईवे पे है, बाईपास पे है जो हाथरस करते हैं। ये सभी लोग कहाँ से कहाँ जा रहे थे और कितने लोग इसमें अभी इंजर्ड हैं? इसमें इंजरी जो है इंजर्ड हैं अभी 16 इंजर्ड लाए गए थे। ये बारिश के कारण फिसलन हो गई है। कितने लोग घायल में अभी यहाँ पे 11 लोग हैं, 8 लोग। वही हमारे साथ अलीगढ़ से हमारे संवाददाता सैजी सिद्दीकी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि इस खबर पर तमाम जानकारी देंगे। सैजी जी जी सैजी जी ये जो हाथरस के जो चंपदा क्षेत्र में ये जो भीषण सड़क हादसा हुआ है तो इसमें कितने लोग घायल हुए हैं और क्या हम देख सकते हैं किस तरीके से लाशों की जो ढेर नजर आ रही है तो क्या मामला है ये पूरा? बिल्कुल बता दूं, दरअसल पूरा मामला उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले का है जहां पे एक सड़क हादसे ने सभी को झकझोर रख दिया है। हादसा इतना बड़ा था कि हर ओर चीख पुकार की आवाज आने लगी, सड़क पर कोहरा मच गया, आसपास के लोग भी रेस्क्यू अभियान में जुट गए, घायल और मृतकों को लेकर सभी लोग भयभीत हो गए। हादसा इतना बड़ा था कि पूरा हाईवे जाम हो गया। ऐसी एसी बस जिसने मैक्स को कार को टक्कर मार दी थी उस मैक्स में के प्रजक्षे उड़ गए। पूरी घटना की जानकारी मिलते ही हाथरस पुलिस प्रशासन मौके पर दौड़ गया। इस दौरान रेस्क्यू अभियान चलाकर लोगों को आसपास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिनकी हालत ज्यादा नाजुक दिखी उन्हें अलीगढ़ के जेएनएमसी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया जहां 8 लोगों में से 2 लोग जेएनएमसी मेडिकल कॉलेज में अलीगढ़ में अपने प्राण त्याग दिए। कुछ ही हालत अभी नाजुक बनी हुई है, ग्यारह लोग हाथरस जिले में अलग अलग अस्पतालों में भर्ती है तो वहीं अलीगढ़ में भेजे गए 8 लोगों में से 6 लोगों का जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे, बाकी 17 लोगों की मौत हो चुकी है जिसके प्रशासन अधिकारी द्वारा बताया गया है। सैजी ये जो हादसा हुआ है तो ये मतलब किस वाहन के अंतर्गत हुआ और कैसे हुआ ये इसके बारे में थोड़ा खुलकर और विस्तार में बताइए। ये जो घटना हुई है ये एसी बस थी जो और जो जिसमें ये घटना हुई है वो मैक्स में सवार थे। अच्छा। तो एसी बस ने मैक्स में टक्कर मारी हाईवे पर और मैक्स से प्रत्यक्ष उड़ गए। ये घटना हाथरस जिले के सातनी की है जहाँ पर लोग एक गमी में आए हुए थे, 40 में का जो खाना होता है उसमें आए हुए थे, वहां से लौटकर आगरा जा रहे थे अपने गांव। जब ये दिशा लगता कि चीख पुकार की आवाजें लगने लगी। इतना बड़ा हादसा होने के बाद मौके पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन वहां के गाँव के लोग थे वो रेस्क्यू करने लगे। इसके में पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन किया। जहाँ जहाँ पास के अस्पताल या सीएससी थे वहां पर उनको भर्ती आया। फिर उसके अलावा जनपद अलीगढ़ में जेएनएमसी मेडिकल में उन लोगों को भेजा गया, जो घायल लोग थे उनको भेजा गया। उसमें से जेएनएमसी मेडिकल में 2 लोगों की मृत्यु हो गई और 6 का उपचार जारी है, वो भी गंभीर हालत में उपचार है चल रहा है। जी मैम मौके पर सैजी जी मौके पर पुलिस प्रशासन का जो आला अधिकारी है वो पहुंचे तो उनका क्या कहना था? जी मौके पर जितने डीएम हाथरस भी पहुंच गए थे और यहाँ मंडल एक्ट की बात की जाए तो मंडल एक्ट भी पहुंच गई थी। मंडल एक्ट ने बताया घटना की पूरी जानकारी दी। उन्होंने बताया सड़क हादसा जो है वो सड़क गीली होने की वजह से फिसलन की वजह से तो जांच का विषय आने वाला बताएगा क्या उसमें निकल कर आया, लेकिन मंडल एक्ट द्वारा ये बताया गया कि वहां पर गीली सड़क होने की वजह से ये हादसा हो गया। जी मैम सैजी जी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये हमारे साथ अलीगढ़ से हमारे संवाददाता सैजी सिद्दीकी जी जुड़ रहे थे जिन्होंने इस खबर पर तमाम जानकारी दी कि किस तरीके से जो है वो कितने लोगों की मौत हुई है उसमें। ये जो हाथरस में जो ये कांड हुआ है इसमें ये जो घायल हुए हैं ये बहुत ही भीषण जो है सड़क हादसा हुआ है। बढ़ते अगली खबर की ओर। छतरपुर जिला के बड़ाम लहरा पुलिस अनुविभाग की पुलिस चौकी घुमारा अंतर्गत अगरोठा और गोरखपुरा ग्राम के बीच जंगल में झाड़ियों के बीच
तीन माह की दूध मुही बच्ची रोते बिलखते हुए ग्रामीणों को चारवाहों को मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। मौके पर मौजूद लोगों ने आनन फानन में गुब्बारा पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही मौके पर SDOP रोहित के अलावा गुब्बारा चौकी प्रभारी प्रमोद रोहित, समाज सेवी टिंकू गोस्वामी ने उक्त रोती बिलखती बच्ची को गोद में लेकर, जिसके शरीर पर चींटियां लगी हुई थी, उसने अपने घर पर नहला धुलाकर उससे कपड़े बदलकर दूध पिलाकर उसको जो है CSC में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टरों के द्वारा उसका इलाज जो है बच्ची का किया जा रहा है। रात्रि हम लोग को फोन आया था अग्रोठा गोरखपुरा के बीच में एक शिशु जो था दो तीन माह का करीब अज्ञात डला हुआ था, जिस पर हमने तत्काल पुलिस टीम भेजी थी। जी, जो वहां पर एक दो तीन माह के करीब एक बालिका पड़ी हुई थी, जो ग्रामीणों ने हमें सूचना दी थी, जिसको हम लोग लाए थे और अपने सामुदायिक केंद्र अस्पताल में दिखवाया है, एवं वरिष्ठ अधिकारियों से हमने चर्चा करके उसको अच्छे इलाज हेतु छतरपुर डॉक्टर साहब द्वारा रेफर कर दिया गया है, और जिसके संबंध में अभी जांच पड़ताल जारी है कि कहां से है और माता पिता की तलाश जारी है। जी, हमारे साथ छतरपुर से हमारे संवाददाता भरत यादव जी जुड़ रहे हैं, जिनसे इस खबर पर हम तमाम जानकारी लेंगे। भरत जी, इस जो ये जो खबर है, ये बहुत ही मतलब एक सोचने वाली बात है कि तीन माह की बच्ची को जो है वो जंगल में छोड़ दिया गया, तो ये पूरा जो मामला है और क्या खुलकर अभी तक जो सामने आया है कि बच्ची के परिजनों की कोई तलाश? मैम, मैं आपको बता दूं, गुब्बारा थाना अंतर्गत अंगरोठा और गोरखपुर ग्राम के बीच जंगल में झाड़ियों के बीच जो चरवाहे होते हैं अपनी बकरी और गाय चराने गए थे, उनको रोते हुए बिलखते हुए बच्ची मिली, जिसकी उन्होंने सूचना थाना प्रभारी को दी। सूचना मिलते ही SDOP रोहित अलावा और चौकी प्रभारी टीम के साथ पहुंचे थे वहां पे उनके द्वारा जांच। अभी तक जो है बच्ची, जो तीन माह की बच्ची मिली है, जैसा कि आपने बताया कि उसकी जो तलाश है वो जारी है, जो उसके परिवार वाले हैं उसकी कुछ भी अभी तक जो है वो खबर मिली हो कि हाँ ये बच्ची यहाँ की हो सकती है, कोई भी आशंका जो हो? SDOP ने थाना प्रभारी को निर्देश दिए हैं कि तुरंत इसकी जांच की जाए और टीम बनाकर इसके गांव-गांव जांच की जा रही है कि किसकी बच्ची है, जैसे ही जानकारी मिलती है उसको अपडेट करा दिया जाएगा। भरत जी, बच्ची के जो है शरीर पर चींटियों के निशान जो हैं वो पाए गए हैं, चींटियां पाई गई उसके ऊपर, तो ये आशंका जो है वो कब तक, मतलब बच्ची कितनी देर हो गई उससे वहां जंगल में रहते रहते, कुछ अंदाजा? ये गुरुवार दोपहर की घटना है और जो चरवाहे हैं उन्हें देर शाम के टाइम पे ये बच्ची मिली थी, तब तक चींटियां बच्चियों के शरीर पर चढ़ चुकी थी। जी जी, आरक्षक जी टीम जैसे ही वहां पे पहुंची तो उन्होंने बच्ची को गोदी में लेकर थाना लेके गए, फिर वहां पे उसको नहलाया धोलाया, उसके बाद कपड़े बदल के दूध पिला के उस बच्ची को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र घोरा ले गए। जी जी, जहां पर उसकी जांच की गई। जी जी जी, धन्यवाद भरत यादव जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए RN News।